बात भागवत में बताई जाए तो मैं थोड़ी मान के जाओ तो भागवत सुन लो जो थोड़ी अगर तुमने सुन ली। ऐसे ही एक बार हमारे गुरु जी ने पतिव्रत धर्म बताया था हमारे गांव में भागवत में, तो एक पड़ोसी है भाई बिल्कुल ढीत के पीछे से उन्होंने कही कि पप्पू भागवत भैया मोह बहुत बड़ी है। कहा वो कि जा दिन तक गुरु जी कह गए ता दिन थारी पस्सी मिल रही है कपड़ा धुपे मिलता है और पान की भरी के संग आ जाता नहारे बिना। मैं भैया अच्छी बात हमेशा बनी रहे तो अच्छी है। तो जो बैसाख के महीना में लाई पड़ी खेत कटे सुबह सवेरे तो शाम तक तो खेत काट के आए आंगन में सोए गए तो लड़के लेके तो बेसोए गए और लड़की लेके बेसो गई मुनि घरवाई। तो रात में जो भी लड़का जगो एक बजे वो खटिया पर रोल करो सुबह ने पल्ली खटिया पर दिखी के सुनकर आओ ए लड़े ले रहे हो जग दो जी अब देखना है भाई भाई दूसरा फिर कही सुनकर आओ जी लोड़ा जग दो जा ले लो फिर उन्हें आवाज गई। तो तीसरा भागे आज खटिया पर उठी गई ओ पोहे जी लोड़ा जग दो जा ले ले भैया भागवत नहीं तभी बस। तो ऐसा सुन को बिल्कुल देखा कि थोड़े दो चार दिन पालन कर लो फिर भाई अगर गाड़ी चले गए थोड़ी मान पाओ लेकिन मान के भाग ले जाओ तो अच्छी बात। एक ही धर्म एक व्रत नियमा और कहीं वचन पद पद मन ये रामायण में आया है अरण्य कांड में तो इसका पालन करें। आ रुक्मिणी जी धीरे धीरे चल रही है चलो बीच में जगह कर दिया नहीं निकल देगा और ये 5100 रुपए सियाराम सिंह जी हंसपुर भंडारे में धन्यवाद। ए धीरे धीरे रोके मेरे पूजा कर बे चली भाई पारस बाबू रसीदपुर से 100 रुपए का पुरस्कार है परमात्मा लंबी आयु देता रहे। Yeah.
तैयार ना भाई भगवान को नहीं आगे घोड़ा बन गए कैसे भाग के आ जाओ कोई आ जाओ नौजवान बच्चे तीनों आ जाओ चलो एक दिन तुझे आगे ठीक हाँ होना जाओ बस चलो जी कन्हैया जी ऊपर खड़े हो रथ पे हाँ और तुम केवल जो हम कहें उस पर ध्यान रखना हम कहें उस पर ध्यान रखना जैसे कहें वैसे करना ठीक है तो आज इस समय रुक्मिणी मंदिर के पास पहुंची है तो मंदिर के लिए तो मस्तक नवाया है तो जिस समय भगवान कन्हैया के सामने बेटी इधर चला करो और तुम कितने आगे ना खड़ी हो तो पीछे जाओ चार मिले 64 खिले और 20 रहे करजोर और हर दम से हर दम मिले और खिल गए सात चार मिले दो नेत्र भगवान के दो रुक्मिणी के चार आंखें आपस में मिली हैं 64 खिले 32 तक रुक्मिणी हंसी है 32 तक भगवान हंसे दोनों हाथ भगवान ने जोड़े हैं और दोनों ही रुक्मिणी ने जोड़े एक शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोंगटे होते हैं दोनों तरफ महान हर्ष हुआ है 7 करोड़ रोंगटे खड़े हुए उसी समय भगवान ने ऊपर से हाथ सीधा बढ़ाया नीचे और रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया सीधा उधर से चलो और जो हाथ में हाथ पकड़ो वो झटका मार के रथ पर चढ़ाई है ऊपर बोलिए कन्हैया लाल की जय जय और पार्टी पकड़ लिए दोनों आमने सामने बैठो आमने सामने मुकर के ऐसे चलो चारों जने लगो चारों पाए पर बर्फ पर उठना चाहिए बिल्कुल और जो भगवान को रथ बाग में फिर चलो वो जो सखियां संगाई तो एक लड़की चिल्लानी है क्या अरे जी जी कूड़े गयो कालो हरी ससपाद नहीं गयो कालो ए कूड़े गयो सरपानी सपाद नहीं गयो ए कूड़े गयो और रुको भैया बुला के ये देख रहे हैं मसला का खैर रोक रहा मान जा गई चोट आ गई जी अरे ये जा रहा था रोक रहा जा रहा चोट आ गया है एक लड़की ने को हंसी आ रही है पानी की काय को पागल रह गई है क्यों कहना तो ये कछु हो सुनाई ए कहना तो ये कछु हो सुनाई है Yeah.
भगवान कन्हैया जब लेकर के चले थे, उसी समय जरासंध, शिशुपाल, रुकम सेना लेकर के बाघ पर चढ़ गए। जब बाघ पर चढ़ करके आए, वो इधर बलराम को पता चल गया था कि कन्हैया अकेला गया है। तो बलराम जी हर मूसल हाथ में लेकर के बाघ में आए हैं। महान कठोर संग्राम हुआ दोनों तरफ से, सब सेना को परास्त कर दिया और रुकम को भगवान मारना चाहते थे। उसी समय रुक्मणी ने बचा दिया, अगर प्रभु नहीं, अरे काउन जो बोल सहे नहीं जाएंगे कि ऐसा कौन होकर के रह गई, से भैये उठाई गई तो छोड़ दिया है। श्रोता बंधु, भगवान रुक्मणी को लेकर के द्वारका के लिए चले गए। बोलिए कन्हैया लाल की, तो भगवान चल रहे, भगवान द्वारका के लिए चले गए। तो भगवान कृष्ण के 8 पटरानी थी।